चोकर यानी कि वीट ब्रान, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। बहुत हेल्दी चीज़ है जो आपको मालूम नहीं भी हो। देखिए, हम लोग सब कोई आटा खाते हैं, गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है। ये आटा देखने में थोड़ा पीला पीला सा होता है कि इसमें चोकर होती है, पर अगर इसको आपने छान लिया तो नीचे मैदा पड़ जाता है, ऊपर चोकर रह जाती है। चोकर हो गया फाइबर पार्ट ऑफ द वीट ब्रान, जो उसका वीट का जो ऊपर का कवर होता है ना, वो जब टूटती है तो वो थोड़ा हार्ड रह जाता है। जो अंदर का मैदा पार्ट है वो तो एकदम डस्ट सा हो जाता है, वो निकल जाता है नीचे। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप आटा ख़रीदने जाते हैं, उसमें वो लोग इसको बहुत रिफाइंड बनाते हैं, इसको वाइट सा दिखने लगता है क्योंकि इसका चोकर वो लोग निकाल लेते हैं, जबकि चोकर ही सबसे अच्छा चीज़ है वीट का। तो याद रखिए, चोकर के बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ। तो कभी भी आटा को छानने गए तो ऊपर जो पार्ट रहेगा उसको चोकर बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीट ब्रान, और वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें आपको मालूम है फाइबर, बहुत हाई फाइबर है। हम लोग एक नॉर्मल सब्जियों में 3 ग्राम 4 ग्राम फाइबर, इसमें 43 ग्राम फाइबर होता है। तो चोकर इज़ अ वेरी हाई फाइबर फूड। और फाइबर से क्या क्या फ़ायदा आपको मालूम है? सबसे बड़ा फ़ायदा है कब्जियत नहीं होने देगा। फाइबर का सबसे बड़ा फ़ायदा है शुगर और शुगर की बीमारी में मदद करेगा। फाइबर से वजन कम होगा, अगर आप फाइबर डाइट खाएंगे तो वजन कम होगा। फाइबर से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम होती है, तो हार्ट के लिए अच्छा है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंसर, ये सब प्रिवेंट करने के लिए फाइबर बहुत फ़ायदा करता है। और ये जो चोकर होती है, इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसमें विटामिन B1, B12, B6 और फोलिक एसिड और मैंगनीज और मैग्नीशियम और इस तरह के जो बहुत काम के मटेरियल होती है हमारे बॉडी के लिए, वो सारे मौजूद हैं। तो आप कोशिश करिए चोकर को अलग से डाल के रखिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटे को छान के चोकर को फेंक देते हैं, गाय के लिए दे देते हैं, और जो नीचे रहता है वो असली आटा मानते हैं, पर आटे का जो सबसे हेल्दी पार्ट है उसको आपने हटा दिया। तो कभी भी आटे को छानिए मत। मैं लोगों को बोलता हूँ, आप अगर चोकर यूजुअली जो बाज़ार में पैक किया हुआ आटा मिलता है, वो आटा कम मैदा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें चोकर हटा लेते हैं उसको वाइट ना बनाने के लिए। और आदमी देखता है वाइट कलर का गेहूं है, वो आटा है, तो बड़ा खुशी खुशी खाता है, वाइट सब्जी रोटी मिलती है। पर अगर आप आटा घर पे पिसा के, कहीं से पिसा के मंगा के उसको रॉ यूज़ कीजिएगा, उसमें चोकर का क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आप जितने घर में आटा आती है उसको आप छान लो, और जो चोकर है उसको स्टॉक करके रखो, और जो हेल्थ अपना चाहते हैं उसको चोकर का अलग से बना बना के रोटी दो। तो लोगों को, जिनको भी वजन कम करना होता है, उनको हम लोग बोलते हैं आप घर का सबका वो चोकर ले लो और अपने रोटी को चोकर से बनाओ, तो उसकी कैलोरी आधी हो जाती है। तो चोकर का रोटी ज़रूर खाइए। चोकर में आधा आटा डाल दीजिए, आधा चोकर डाल दीजिए और उसका रोटी खाइए, वो फाइबर भी मिलेगा और आपको वजन कम करने में मदद करेगा। तो चोकर आप जाने खाने का ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। इनफैक्ट मुझे याद है, बहुत दिन पहले मेरा एक पेशेंट आया था, मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब, मेरे वाइफ को जब हमने चोकर के बारे में आपने बताया, तो मैं घर जा के वाइफ को बोला कि देखो सारे घर में जितना आटा आता है उसको छान लेना, और वो जो नौकर लोगों को है वो दे देना मैदे वाला, और हमको दे देना चोकर उसका, उनका भी। तो बोला, मैं एक दिन जा रहा था तो मेरे नौकर बात कर रहे थे, हमारा साहब कितना बुद्धू है, जो असली चीज़ तो मेरे लोग को खिला देता है और जो ऊपर भूसा है वो खुद खा रहा है, पर उसको नहीं मालूम उस नौकर को कि भूसा ही सबसे हेल्दी पार्ट है गेहूँ का। तो आप कभी भी चोकर निकाल के गेहूं को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैदे के जगह आटे का इस्तेमाल करिए, और चोकर अलग से डाल सकें। बाज़ार में आजकल चोकर मिलने लग गया हेल्थ के फूड के हिसाब से, तो वो राइस ब्रान का जो पाउडर है उसको आप मंगाइए अलग से और अपने रोटी में ज़रूर ऐड कीजिए, इससे उसकी कैलोरी वैल्यू कम हो जाएगा, फाइबर वैल्यू बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूँ, चोकर में प्रोटीन भी 16 ग्राम होती है, फैट बहुत कम होती है, और कार्बोहाइड्रेट करीब करीब 30 ग्राम होता है। कैलोरी इसमें है, पर 100 ग्राम चोकर कोई खाता नहीं है। अगर 10, 15, 20 ग्राम भी चोकर आप हर दिन खाने लग जाएं, हमारे बॉडी में टोटल फाइबर के रिक्वायरमेंट आजकल 35 से 40 ग्राम हम लोग मानते हैं पूरे दिन में। तो फल सब्जी से तो आएगा ही आएगा, आप अलग से चोकर डालेंगे तो फाइबर का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, और वो हार्ट के लिए हेल्दी, डायबिटीज़ के लिए हेल्दी, ब्लड प्रेशर के लिए हेल्दी, हर तरफ से हेल्दी। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपके पास ये
वीडियो, जितने भी हमारे नए वीडियो वो आता रहे। और याद रखिए, हार्ट के बारे में हमारा मेन एक्सपर्टाइज है, हार्ट की क्लिनिक हम लोग रन करते हैं साउल हार्ट सेंटर करके इंडिया भर में, और हार्ट के पेशेंट्स के लिए जितने वीडियो हमने बनाई है उनको आप ज़रूर हार्ट के पेशेंट्स को रेकमेंड करिए, क्योंकि उससे वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए विदा लेते हैं।